नमस्कार, मैं मिथुन सोजा, आप देख रहे हैं सुप्रीम समाचार। मैं इस समय आजमगढ़ धरांग गांव में पहुंचा हूं। यहां पर एक आश्रम है, एक मठ है। कहते हैं यहां पर हमेशा किसी साजिश से यहां पर घटना हो जाती है। इस समय मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहां पर कई क्विंटल धान रखा गया था, एकदम पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। यहां पर बाबा रहते हैं जो महामंडलेश्वर हैं, इनके ऊपर हमेशा किसी न किसी साजिश से इस पे अत्याचार किया जाता है या लूटपाट होती है, फिर जलाकर खाक कर दिया जाता है। आइए हम सीधा बात करते हैं कि ना नुकसान हुआ कि ना नहीं हुआ है। बाबा, ये कब की घटना है? ये कल रात की है, जब हम लोग साधना पे थे, उसके बाद ये जलाया गया है। और सुबह जब हम आए हैं सैर करने के लिए सुबह 5 बजे, तो देखिए यहाँ जल के खाक हुआ था। तब हम लोगों को, अपने गांव के लोगों को इतला दिए हैं और प्रधान को दिए हैं, थाने पे दिए इसकी सूचना। लगातार यहाँ पर हमला होते रहते हैं किसी न किसी साजिश से, तो किसका है इसके पीछे हाथ है, किसी को पता है कुछ क्लियर? देखिए, जब से मैं आया हूँ पिछले 2 सालों से, मैं यहाँ उत्पीड़ित और प्रताड़ित किया जाता हूँ अखिलेश कुमार राय पुत्र राम लखन राय द्वारा। उन्होंने पिछली बार भी मेरे से 10 लाख की रंगदारी मांगी थी, जिसका थाने में मैंने तहरीर दी थी। और यहाँ से मेरी 2 टाली ईंटा उठा ले गए जबरी, मेरी एक मोटरसाइकिल ले गए थे, मोटरसाइकिल मेरी वापस कर दी, ईंटा आज भी वहाँ लगा हुआ उनके गुर्गों के यहाँ। आए दिन उनके गुर्गे आते हैं, मुझे रंगदारी के नाम पे डराते धमकाते हैं, पैसे ना देने पे इस तरह घटना का अंजाम देते हैं। मैंने कई बार कहा कि आज ये तो देखिए 10 क्विंटल मेरा धान जल के खाक हो गया है। और उसके बाद वो गोली मारने की धमकी देते हैं और मेरा कुप्रचार करते हैं। मैं पूरे भारत में प्रथम दलित महामंडलेश्वर, पूरे भारत में सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करता हूँ। देख रहे हैं, भारत के प्रथम दलित महामंडलेश्वर हैं। आए दिन लगातार अत्याचार किया जाता है। देख रहे हैं कि इधर स्कूल भी है, शिक्षा भी दी जाती है, कुछ लड़के जो गरीब हैं उनको फ्री दी जाती है शिक्षा। आखिर यह इस पर अत्याचार क्यों किया जाता है, इस पर गुरुजी पुलिस प्रशासन क्या करती है, कार्रवाई करती है सही टाइम पर? देखिए, पुलिस प्रशासन मेरे को हमेशा सपोर्ट करती है। मैंने पिछली बार जो तहरीर दी थी अखिलेश कुमार राय और उसके साथियों के ऊपर, मुकदमा दर्ज करके SDM के पास भेजा गया था। वहाँ पे ये 50,000 मुचलके में छूटे गए थे कि वहाँ जाकर किसी प्रकार का आप लोग ना करेंगे उत्पीड़ित, मगर वो फिर आके कल रात की फिर ये घटना है। ये सारा काम जो अखिलेश कुमार राय वहाँ बैठ के अपने गुर्गों से करवाता है। आखिर वो क्यों करते हैं, उनकी मांग क्या है? वो 10 लाख की रंगदारी मुझसे मांगते हैं, कहते हैं यहाँ पे आप आए हो, यहाँ रहना है तो मेरे पूर्वजों की संपत्ति है और इसलिए आप मुझे दें। तो मैंने कहा भाई, साधु किसी का पूर्वज ही होता, जो साधु होता वो संन्यास ले लेता, उसे संसारिक लोगों से कोई मतलब नहीं होता, मगर वो अपना हक जमाता है, यहाँ के रंगदारी मांगता है, यहाँ जमीन कब्जा करना चाहता है या अपने गुर्गों से करवाना चाहता है।